सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों की टोलियां गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये टोली जिन्हें हम कावड़ियां के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़क पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और आज समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कावड़िया कौन थे, इससे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम एक प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जल अभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठा कर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। वहीं कुछ पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। सभी देवताओं ने शिवजी पर गंगा जल अर्पित किया। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये सब कथाएं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है।